हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में, और इसको हम कुकर में बहुत ही झटपट बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ केसर और आप देख रहे हैं केसर इंडियन किचन। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। यहाँ पे कम से कम 1.5 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है। अब इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। ये 1 चम्मच जीरा था, जीरा हमारा चटकने लगा है। अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं 2 गाजर थी उसको कद्दूकस कर लिया था मैंने, वो डाला है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसी में। गाजर से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और गाजर तो सर्दियों में हेल्दी भी होती है हमारी हेल्थ के लिए। अब इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला, ये सब डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे। जो गाजर का जूस है उसी में ये सब अच्छे से भुन जा रहा है हमारा। अब यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मेथी उसको अच्छे से साफ़ करके धो लिया था, उसको कट कर लिया है बारीक, और उसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही झटपट बन जाती है। अब ये जो मेथी हमने डाला है इसका ये पानी सारा रिलीज़ कर दे, इसलिए हम इसमें सॉल्ट इसी वक्त ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मटर हम डाल रहे हैं, 1 कप मटर ली थी मैंने वो डाल दी है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे 3 बड़े आलू लिए थे मैंने, इसको हमने कट कर दिया था, अब ये डाल दिया है। ये सबको अच्छे से मिक्स करके भूनते जाएंगे। सब हमारा भुन चुका है। ये 4 टमाटर लिए थे इनको काट लिया, ये डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जो टमाटर हैं अभी बहुत ज़्यादा पानी देंगे सब्जी को, सब्जी हमारी बहुत ही लिक्विडी हो जाएगी। अब हमको बिल्कुल हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भुनना होगा। ये देखिए, अब हमारी जो सब्जी है काफ़ी जूसी हो गई है। ये देखिए कितना जूस निकल रहा है इसका। इसको हमें अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब ढकेंगे बिल्कुल नहीं हम सब्जी को, इसका जो पानी है वो हमें बिल्कुल सुखाना है। ये देखिए अभी भी इसमें जूस बचा हुआ है। ये कम से कम 2 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए, अभी भी इसमें काफ़ी जूस है। अभी हम इसको और पकाएंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम हाई रखेंगे इस वक्त। इसका सारा पानी हमें ड्राई आउट करना है। इसको हम फिर से चला के देखते हैं कि जूस बचा है कि नहीं। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं हमारे, देखिए अब इसमें जूस नहीं बचा है। ये देखिए, अब इस स्टेज पे हम इसमें लिड लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके लेट लगा देंगे, और 2 विसल तक आने तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए 2 विसल हमारी आ गई हैं। अब 10 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। ये हमने खोल लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे आलू और सब्जी गल गई है कि नहीं। हाँ देखिए, एकदम अच्छे से कुक हो गई है सब्जी जो है हमारी, अब कुक हो चुकी है। इसलिए हम चला के इसको नहीं भूनेंगे, अब इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी 5 मिनट में बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुकर में बनी है, बहुत ही अच्छे बनके तैयार होती है। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी सब्ज़ी,
पूड़ी पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाइए और तारीफ पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।